नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके क्लासेस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत। सेकंड चैप्टर है 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का और ये वीडियो का पार्ट भी सेकंड है। फर्स्ट पार्ट आपके लिए अपलोड किया जा चुका है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें हमने तीन क्वेश्चनों पर चर्चा की थी जिसमें हमने पढ़ा कि दो ध्रुवीयता विश्व क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का जन्म किस प्रकार से हुआ और दो ध्रुवीय विश्व का अंत किस प्रकार से हुआ। अब इसी क्रम में आगे के जो हमारे सामने प्रश्न आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि बर्लिन की दीवार के विषय में बताइए। तो शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था तो विश्व जो है दो ग्रुप्स में या फिर दो खेमों में बट गया था। तो जर्मनी भी एक देश था जो दो ग्रुप में बटा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि एक देश जो है दो ग्रुप में कैसे बट सकता है। तो हुआ दरअसल ये दोस्तों कि जो जर्मनी देश था ये दो गुटों में इस प्रकार से बटा कि आधा जर्मनी जो था वो अमेरिका से प्रभावित था यानी पूंजीवादी गुट से, और आधा जो जर्मनी था वो साम्यवादी गुट से प्रभावित था। तो इस प्रकार से पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी क्या हुआ, विभाजित हो गया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो जो पूर्वी जर्मनी का हिस्सा था वो साम्यवादी यानी कि सोवियत संघ रूस से प्रभावित था, और वहीं पश्चिमी जर्मनी जिसे हम अमेरिका के द्वारा प्रभावित कह सकते हैं। और 1961 में क्या हुआ कि जर्मनी के बीच में एक दीवार बना दी गई। देखिए ये मान लीजिए जर्मनी है और इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। इसी दीवार को हम बर्लिन की दीवार के नाम से जानते हैं। और ये कब बनाई गई, 1961 में बनी, और जर्मनी को दो भागों में बांटने के लिए इसको बनाया गया था। और जब इस दीवार को तोड़ा गया जो कि 9 नवंबर 1989 यानी कि 9 नवंबर 1989 में इस दीवार को तोड़ दिया गया, जिसके बाद हुआ क्या कि जर्मनी का एकीकरण हो गया। यानी अब जर्मनी केवल एक ही देश था ना कि दो, जैसा कि शीत युद्ध के दौर में पहले था पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। लेकिन जब 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ दी गई उसके बाद जर्मनी एक हो गया। और इसी के साथ ही हम कहते हैं इसको कि ये दो ध्रुवीयता के अंत की शुरुआत थी। तो ये था जर्मनी की दीवार के बारे में क्वेश्चन। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन ये आता है कि 1989 में बर्लिन की दीवार को ढहने को दो ध्रुवीयता का अंत क्यों कहा जाता है। तो दो ध्रुवीयता का अंत इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है क्योंकि यही वो आखिरी चरण था जिसके बाद दोनों गुट में जो है गुटबाजी समाप्त हो गई। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण जो रहा गुटों को समाप्त करने का वो बर्लिन के दीवार का गिरना ही था, क्योंकि बर्लिन की जो दीवार थी वो जर्मनी से संबंधित थी और जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था। और जब इस दोनों भागों के बीच के दीवार को तोड़कर जर्मनी को एक कर दिया गया तो उसके बाद दो ध्रुवीयता का अंत होना शुरू हो गया और दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम जो है कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए समझाने के लिए आपके लिए मैं सरल शब्दों का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में यदि हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं तो कुछ हमें हार्ड वर्ड्स को भी यूज़ करना होगा। तो मैं आपको आसान भाषा में भी समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपके और कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आता है, वो गोर्बाचेव के बारे में रहता है। कि इंट्रोडक्शन में ही हमने पढ़ा था कि जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, तो उन्होंने क्या किया था कि सोवियत संघ में आर्थिक सुधार के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए थे जिसका नाम मैंने आपको बताया था, प्रटॉयस्का था और ग्लासनोस्ट नाम था। तो इस दो कार्यक्रम के द्वारा सोवियत संघ में सुधार कार्यक्रम किए। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कारण थे जिसने सोवियत संघ में सुधार करने पड़े, या फिर दूसरा इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। ये दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लें सबसे पहले ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो। तो इसका हम उत्तर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि सोवियत संघ में विघटन इसलिए हुआ, या फिर मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ में इसलिए सुधार कार्यक्रम करने पड़े क्योंकि सोवियत संघ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो देखते क्या है कि वहाँ पर नौकरशाही का प्रभाव बढ़ रहा था, और जब किसी भी राज्य या देश में नौकरशाही का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वहाँ के जो देश के शासक होते हैं वो सत्तावादी हो जाते हैं, यानी कि उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ के जो शासक थे केवल हर बार वो शासक बनना चाहते थे और आम लोगों के ऊपर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे रूस के यानी कि सोवियत संघ की जो जनता थी वो क्या हुई, बहुत ज़्यादा वहाँ उनके शासकों से निराश हो गई। तो ये पहला कारण था।
दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि सोवियत व्यवस्था जो है, एक तो वहाँ पे लोकतंत्री व्यवस्था नहीं था, यानी सोवियत संघ में लोकतंत्र नहीं था, और एक और कारण बहुत महत्वपूर्ण कि वहाँ के लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं थी। यानी वहाँ के लोग, जैसे कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है, आज हमें हम कुछ भी जो है किसी प्रकार से अपने विचारों को रख सकते हैं, बशर्ते किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। लेकिन उस समय सोवियत संघ में लोगों को ना तो विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार था, ना ही अपने विचारों को रखने का। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण था जिसने सोवियत संघ को विघटित कर दिया या फिर गोरबाचेव को सुधार के लिए बाधित किया। एक और महत्वपूर्ण कारण कि सोवियत संघ में हम देखते हैं कि एक दलीय शासन व्यवस्था थी और उस दल का नाम था साम्यवादी दल। तो एक ही दल के होने के कारण होता क्या है, जब किसी देश या राज्य में कोई एक दल होता है तो उसका कोई विरोधी नहीं होता, जिसकी वजह से होता है क्या है कि सरकार कुछ भी काम करे उसका कोई विरोध करने वाला ही नहीं होता। तो इस वजह से भी सोवियत संघ में सुधार आवश्यक हुआ और ये भी कह सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके अलावा महत्वपूर्ण कारण एक ये भी रहा कि जैसा कि आपको पता होगा, सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों का मिला हुआ रूप था, लेकिन जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय विषय आता था, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय विषय हो, उस पर हमेशा सोवियत संघ में क्या जाता था, केवल रूस की राय ली जाती थी, और रूस जो वहाँ का सोवियत संघ का एक गणराज्य था, तो रूस ही हर मामले में अपना निर्णय देता था, जिसके वजह से वहाँ के जो बाकी गणराज्य थे उनको ऐसा लगता था कि हम पे जो है अत्याचार किया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, और वो अपने आप को अपमानित अनुभव करते थे क्योंकि किसी विषय पे उनसे पूछा ही नहीं जाता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इसके अलावा एक कारण ये भी रहा कि सोवियत संघ जो है, क्योंकि वो अमेरिका की बराबरी करना चाहता था, क्योंकि शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो शीत युद्ध में दोनों ही देश हथियार बनाने में लगे हुए थे, तो सोवियत संघ ने भी अपना जो अधिकतर पैसा था वो अत्याधुनिक और ख़तरनाक हथियारों को बनाने में लगा दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उसको बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ी, और हथियारों में खर्च करने के कारण हुआ क्या कि सोवियत संघ का जो बुनियादी ढांचा था, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो तकनीकी क्षेत्र था, उसमें सोवियत संघ बहुत ज़्यादा पिछड़ता चला गया। सोवियत संघ जो है हथियारों के मामले में उस समय तो टेक्निकल था, काफ़ी ज़्यादा उसके पास जो है अत्यधिक और शक्तिशाली तकनीकी हथियार थे, लेकिन बुनियादी स्थिति जो है उसकी खराब होती चली गई। पांचवा कारण ये रहा कि सोवियत संघ में जो राजनीतिक एवं आर्थिक तौर पे अपने नागरिकों के समक्ष जो उसने वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाया। जब साम्यवादी सरकार सोवियत संघ में बनी तो उसने अपनी जनता से कुछ वादे किए कि हम किस किस प्रकार से सुधार कार्यक्रम करेंगे या क्या क्या सुविधाएँ आपको देंगे, लेकिन इन सारे ही चीज़ों में वो फेल हो गई। एक और महत्वपूर्ण कारण छठा पॉइंट ये है कि जब 1979 में क्या हुआ, 1979 में कि सोवियत संघ ने क्या किया, अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किए, जिसकी वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि सोवियत संघ को अपने सेना को अफगानिस्तान में भेजना पड़ा, जिससे उसका सेना पे बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गया और वो अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पे ध्यान नहीं दे पाया। तो रूस में, माफ़ कीजिएगा, सोवियत संघ में क्या हुआ कि उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ाने लग गई, जिसकी वजह से मिखाइल गोरबाचेव को आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू करने पड़े, या फिर ये कहें कि जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तो सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में किन्हीं 6 महत्वपूर्ण कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो हमें इसमें बताना है कि ऐसे कौन से कारण थे जिसने सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही समाप्त हुआ तो इसके बाद हुआ क्या कि सोवियत संघ और अमेरिका केवल दो ही महाशक्तियाँ और शक्तिशाली राष्ट्र बच गए। द्वितीय विश्व युद्ध तक या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक जितनी भी महाशक्तियाँ थी, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इनकी आर्थिक स्थिति या फिर हर प्रकार की स्थिति बहुत ख़राब हो गई और केवल दो ही शक्तिशाली देश बचे। और जिस प्रकार से अमेरिका जो है, आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की बहुत अच्छी थी, उसी प्रकार से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और वहाँ के जो लोग थे उनका जीवन स्तर भी अच्छा था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, यानी टेक्निकल चीज़ में सोवियत संघ बहुत आगे था, जिसकी वजह से सोवियत संघ जो है एक महाशक्ति बन पाया। उसके अलावा सेकंड कारण ये है कि सोवियत संघ के पास ऊर्जा के विशाल संसाधन थे, ऊर्जा उसके पास जो है बहुत ज़्यादा था, चाहे हम खनिजों की बात करें, तेल की बात करें, लोहा की, इस्पात की या मशीनरी की,
तो ये सारी ही चीज़ें सोवियत संघ में मौजूद थी। किसी भी देश को दोस्तों अगर शक्तिशाली बनना है तो ये सारे चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो, उनके पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, और ये सोवियत संघ के पास भरपूर मात्रा में थी। तीसरा कारण ये था कि सोवियत संघ की जो यातायात की सुविधा थी वो अत्यधिक आधुनिक थी, वहाँ पे यातायात सुविधाएं थी। और एक कहावत जो सोवियत संघ के बारे में है वो ये कि वहाँ पे सुई से लेकर जहाज़ तक सभी चीज़ों का निर्माण किया जाता था। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोवियत संघ कितना शक्तिशाली राष्ट्र रहा होगा जो सुई से लेकर जहाज़ तक का निर्माण स्वयं कर लेता था। इसके अलावा सोवियत संघ जो था वहाँ पे लोगों की भी सुविधाएं अच्छी तरीके से देखी गई, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, या स्वास्थ्य की चिकित्सा की सुविधा हो, और यातायात की सुविधा हो। तो ये सारी सुविधाएं सोवियत संघ के लोगों को दी गई, जिसके वजह से सोवियत संघ बहुत मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बना। कुछ छोटे कारण थे जिसमें कि वहाँ पे सोवियत संघ में बेरोजगारी कम थी, उसके अलावा वहाँ पे जो था सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था, यानी जो वहाँ पे भूमि संपदा थी उस पे केवल राज्य का अधिकार था, वहाँ पे अभी तक प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया था। और सोवियत संघ के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, और सेना सिर्फ होना ही काफ़ी नहीं है, उसके पास अत्याधिक आधुनिक हथियार भी थे और सेना उन्नत थी उसकी, साथ ही साथ वो एक परमाणु संपन्न देश था और संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी स्थायी सदस्यता थी, यानी वो वीटो का भी अधिकार रखते थे। तो इन सब वजह से सोवियत संघ एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में या शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।